और बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं राजेंद्र देव और शुरुआत देहरादून से आ रही एक बड़ी अपडेट के साथ। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो संग्राम मचा है उस पर भाजपा हाईकमान गंभीर हो गया है। हाईकमान ने प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार से रिपोर्ट मांगी है। संजय गुप्ता ने मदन कौशिक पर चुनाव हराने का आरोप लगाया है। चंपावत से कैलाश गहतोड़ी और काशीपुर से हरभजन चीमा ने भी आरोप लगाए हैं। गंभीर बात, स्वामी यतीश्वरानंद भी मदन कौशिक से नाराज बताए जा रहे हैं। तो इस बाबत रिपोर्ट मांग ली है हाईकमान ने। गंभीर हो गया है इन तमाम शिकायतों को लेकर भाजपा हाईकमान। चुनाव और मतदान के बाद आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर। कई नेताओं ने आरोप लगाए। संजय गुप्ता ने चुनाव हराने का आरोप लगाया मदन कौशिक पर। संगठन महामंत्री अजय कुमार से रिपोर्ट मांगी गई है। चलिए और ज्यादा मालूमात हासिल करते हैं। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है इन तमाम आरोपों के बारे में और भाजपा हाईकमान ने जो किया है इस संबंध में, उस एक्शन के बारे में। अजीत, आपके पास जो भी जानकारी है सबसे पहले हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। राजन, देखिए, शिकायत कर रहे हैं जो भीतरघात की शिकायत प्रत्याशी कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है। मतलब महत्वपूर्ण बात वो नहीं है कि शिकायतें हो रही हैं, महत्वपूर्ण बात यह है वाकई भीतरघात हुआ है क्या नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति की बात करती है उसके तमाम प्रत्याशी खुलकर मोर्चा खोलकर अपने नेताओं के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात राजेंद्र ये है कि जिन संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप लगाया है वो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी विधायकों में, करीबी मित्रों में गिने जाते हैं। इसके अलावा जो यतीश्वरानंद की भी सूचना मिल रही है, स्वामी यतीश्वरानंद की, जो हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री के बहुत ही नजदीकी मित्रों में हैं। इस पूरे प्रकरण पर हाईकमान ने महामंत्री संगठन अजय कुमार से एक रिपोर्ट मांगी है और चर्चा भारतीय जनता पार्टी के भीतर इसी बात की हो रही है कि भाई आखिर जब मुख्यमंत्री के इतने करीबी लोग हैं तो सीधे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल देने के बजाय उन्होंने मुख्यमंत्री से ही बात कर लेते तो कम से कम पार्टी की किरकिरी होने से बच सकती थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार एक के बाद एक प्रत्याशी, चाहे चंपावत से कैलाश गहतोड़ी हो, चाहे काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा हो, सब कह रहे हैं कि भीतरघात हुआ है। तो ये कौन सी बीमारी के लक्षण हैं, कौन सी सियासी बीमारी के लक्षण हैं, क्या किस तरह का उन्हें लग रहा है कि भीतरघात से वाकई उनको नुकसान हो गया है। और दूसरी तरफ देखिए, जिस कांग्रेस पर हम झगड़े का, आंतरिक कलह का आरोप लगाते हैं वहां एक भी जगह से इनफाइटिंग की कोई एक ऐसा उल्लेख नहीं आया, ऐसे खुलकर बात नहीं हुई है। संगठन में इस बात को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि भाई मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं और सीधे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, ये बात बेहद गंभीर हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है उसने इस बात को बहुत सीरियसली लिया है। प्रदेश महामंत्री संगठन ने ये रिपोर्ट अभी, चूंकि आज सुबह ही मांगी गई थी, हो सकता है इस वक्त तक ये पूरी रिपोर्ट भेज दी हो। सारे वीडियोज, जितनी क्लिपिंग है अखबारों की, चैनल की बाइट हैं, जो विजुअल चले हैं, उन सबको एक क्लब करके हाईकमान को भेजा जा रहा है। अब हाईकमान ही, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप है तो प्रदेश अध्यक्ष तो इसकी जाँच नहीं कर सकते। हो सकता है जल्द ही निकट भविष्य में, आज या कल तक, इस मामले में तीन बड़े वरिष्ठ नेताओं की या सांसदों की एक जांच समिति बन जाए और वो इन लोगों की बात सुने और किसी नतीजे पर पहुंचे और पार्टी की छिछालेदर होने से बचाए। अजीत, हमारे साथ बने रहिए। आप जिस छिछालेदर की आप बात कर रहे हैं और जिन बयानों के आप सार्वजनिक होने की बात कर रहे हैं उसके बारे में अपने दर्शकों को पहले बता दें, वो वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें लक्सर से भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के खिलाफ चौंकाने वाली टिप्पणी की थी। दरअसल भाजपा विधायक और मौजूदा भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें संजय गुप्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के खिलाफ जमकर आग उगलते नजर आ रहे हैं। हालांकि एबीपी गंगा इसकी, इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में संजय ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, मुझे फिर से भरोसा जताया, मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ अपने नेतृत्व को, लेकिन जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। वैसे मतदान समाप्त हो चुका है उत्तराखंड में, लेकिन सियासी सरगर्मी